बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखती है। भले ही बहुजन समाज पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है उसको बुलाया नहीं जा सकता। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही है। इसके अलावा अकाली दल पंजाब के अंदर कई सालों तक पंजाब में शासन करने वाली राजनीतिक दल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों दलों को किसी भी राजनीतिक पार्टी के गठबंधन में शामिल करने के लिए नहीं बुलाया गया है। ना तो कांग्रेस के जो विपक्षी एकता का गठबंधन है उसमें और ना ही बीजेपी का एनडीए गठबंधन है उसमें किसी भी नेताओं ने इनको मौका नहीं दिया। केवल ये 2 पार्टियां नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी पार्टियां हैं जिनमें आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी केसीआर की पार्टी और ओडिशा में सत्तारूढ़ नवीन पटनायक की बीजू दल जनता दल को भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसमें आपको बता दें कि आमंत्रित नहीं किया है। तो कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस और के द्वारा जो विपक्ष की बैठक हो रही है 18 तारीख को और 18 तारीख को ही शाम को बीजेपी के गठबंधन एनडीए की बैठक हो रही है, लेकिन इन दोनों ही बैठकों के अंदर इन दोनों ही दलों को नहीं बुलाया, इन चारों पांचों दलों को नहीं बुलाया गया है। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार है तो अकाली दल का भी प्रभाव पंजाब के अंदर काफी बड़ा है। और आपको बता दें कि इसके अलावा केसीआर की पार्टी हो, चाहे वाईएसआर की पार्टी हो या बीजू दल पटनायक जो नवीन पटनायक की पार्टी हो उसकी हो, तमाम राजनीतिक दलों की भी एक अच्छी अच्छी ताकत है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको किसी भी विपक्षी एकता के गठबंधन में या सत्ता पक्ष के गठबंधन में नहीं आमंत्रित किया गया है। इसके पीछे की कई सारी वजह बताई जा रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी को आमंत्रित करते ही वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो जाएंगी, ऐसे में विपक्ष उनको साथ लेना नहीं चाहता। इसी तरीके से अकाली दल की यही हालत है, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर विपक्षी एकता के गठबंधन में शामिल है, तो ऐसे में अकाली दल उनके साथ किस तरीके से जा सकता है? तो वहां पर आपको बता दें कि लड़ाई ही खत्म हो जाती है अगर अकाली दल उनके साथ चला जाता है। और इसी तरीके की हालात जो है वो वाईएसआर केसीआर और अन्य राज्यों के अंदर है, तो इन मामले में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो कमेंट करके जरूर